झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं सदन के बाहर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। नियोजन नीति और स्थानीय नीति और साथ ही साथ सुखाड़ मुद्दे को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोग अपनी बातों को यहाँ पर, हम लोग उनसे बातचीत भी करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और जहाँ पर आप को हम दिखाएंगे कि तमाम लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति, सुखाड़ के मुद्दे को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, 60-40 नहीं चलते के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 1932 का वादा का क्या हुआ, ये नारे के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सदन के बाहर। सदन के तीसरे दिन की ये पूरी तस्वीरें हैं जो हम आपको फिलहाल यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग अपनी बातों को यहाँ पर नारे के रूप में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और हम आपको यहाँ पर बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर तमाम विधायकों का। 60-40 नहीं चलतों के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अनंत जी, 60-40 नहीं चलतों के नारे लगा रहे हैं? नहीं, देखिए यही तो है कि ये नारा, ये जो उद्घोष है, ये प्रदेश के नौजवान आज राज्य की सड़कों पर लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नौजवानों की अपेक्षा और आकांक्षा के अनुकूल लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर हम इस बात को कह रहे हैं कि जो वादे नारे दे करके आप सत्ता में आए थे, उन नौजवानों के वादे नारे को पूरा करने का काम करिए आप। अगर हम लोग बात करेंगे, अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली आई है, लेकिन उस बहाली में सीटेट अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों ने इस 26,000 शिक्षकों की बहाली के लिए हाईकोर्ट में स्टे पिटिशन फाइल कर दिया है। यही तो विषय है कि इनको वो 26,000 को भी नियोजन नहीं देना है, ये जानबूझ करके इसी प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं ताकि वो बाधा हो जाए, वो रुक जाए और प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो जाए, उसी योजना पर ये सरकार काम कर रही है। तो पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, सुखाड़ घोषित किया जाए ये लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जिस तरह सरकार की सोच एकदम बेबुनियाद हो गई है, न किसानों की चिंता है, न नौजवानों की चिंता है, न छात्रों की चिंता है और पूरे प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई है और सरकार की कोई चिंता नहीं है कि कहीं जलाशय योजना बनाई जाए, कहीं कुछ बनाया जाए, किसानों को राहत पहुंचाई जाए। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकगण धरना पर बैठे हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये राज्य अकाल या सुखाड़ घोषित किया जाए। पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। यहाँ पर हम लोग मनीष जायसवाल जी, तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि वो लगातार नियोजन नीति और स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और लगातार हम लोग कोशिश भी करेंगे और लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की। जो पूरी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं नियोजन नीति और स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर के। तो ये पूरी तस्वीरें फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर विधायकों का कहना है। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ पर आपको साफ रूप से हम यहाँ पर दिखाएंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नियोजन नीति, सुखाड़, स्थानीय नीति, तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज़ को यहाँ पर बुलंद कर रही है। ये पूरी तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। हम लोग मनीष जायसवाल जी से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कुछ वो कहते हैं, हम लोग अब उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। सूखा राहत की राशि 24 लाख किसानों को नहीं मिल पाई, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 11 लाख किसानों को ही सूखा राहत की राशि मिल पाई। एक बार फिर से वैसी ही परिस्थिति, देखिए केवल वही नहीं है, सरकार को इंटरेस्ट नहीं है कि ये राशि दे। अभी तक राज्य में हमको लगता है कि बहुत बड़े संख्या में किसान हैं जिनका धान का खरीदी पिछले साल किया गया है और आज तक उसको मुआवजे की राशि
नहीं मिली है, एक साल होने जा रहा है, जबकि इनकी योजना थी कि 7 दिनों के अंदर हम भुगतान करेंगे। इस साल भी है, ये तो केवल औपचारिकता के लिए घोषणा करते हैं। इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है, जो लोग अपना जीवन यापन कृषि से करते हैं उससे इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इस परिस्थितियां देखकर के सरकार क्या सजेशन है? देखिए, तुरंत दो काम इनको तुरंत करना चाहिए। एक तो अल्टरनेट जो क्रॉपिंग का पैटर्न है कि अगर धान का क्रॉप फेल हो रहा है तो उसके जगह पर किसान क्या कर सकते हैं, ये तुरंत इनको कार्रवाई करनी चाहिए पहला, और दूसरा राहत राशि का वितरण तुरंत करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे किसान बाध्य होकर के आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मनीष जी, लगातार आप लोग अपनी आवाज़ नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के भी बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार 26,000 शिक्षकों की बहाली भी आ चुकी है, लोग उस फॉर्म भी भरना शुरू कर चुके हैं। देखिए, फिर से सरकार का जो एजेंडा है कि बाहरियों को ला करके नौकरी दें, वही काम चल रहा है। पहले इनको बड़ी चिंता थी 1932 की, बड़ी चिंता थी कि लोकल लोगों को मिले। इसी बात के, इसी एजेंडे पर जनता ने इनको सत्ता सौंपा भी था, लेकिन अभी हुआ क्या कि भाई 40% बाहरी लोगों को नौकरी इन्होंने इंश्योर कर दिया, थाली में सजा करके इन्होंने दिया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन 100% स्थानियों को हो, उसकी बात हम लोग सदन में उठा रहे हैं। सीटेट अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए सीटेट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में स्टे पिटिशन फाइल किया है कि राज्य सरकार हम लोगों को मौका क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि राज्य में 7 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। देखिए, ये तो उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है, लगभग 2 लाख ऐसे लोग हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। अगर सरकार परीक्षा नहीं लेती है तो ये सरकार की गलती है, उसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, तो उनको इससे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए था। तो हम लोगों ने आपको पूरी तस्वीरें आज की दिखाई, तीसरे सदन के तीसरे दिन यहाँ पर तमाम अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के बाहर बैठे हुए थे और नियोजन नीति, स्थानीय नीति, बहालियों को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। फिलहाल हमारे साथ है तई सहयोगी विशाल के साथ, मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।